हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम KBCRPF मोकामा घाट। आज हम लोग हिस्ट्री का 6th चैप्टर टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन यानी कि नगर व्यापारी और शिल्पजन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये क्या है, एक चैप्टर में इसमें दिखाया गया है कि कोई भी ट्रेवल कर रहा है, लोग यात्री लोग ट्रेवल कर रहे हैं उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जब कोई भी ट्रेवलर जो यात्री होता है जो मेडिएवल टाउन यानी मध्ययुगीन जो शहर था उस समय उसकी यात्रा पर आता है तो वो डिफरेंट टाइप के टाउन्स को देखता है, शहर को देखता है। वो एग्जांपल के तौर पर एक टेंपल टाउन्स हो गया, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर टाउन्स हो गया यानी प्रशासनिक केंद्र वाला शहर के रूप में भी देखता है, या फिर कॉमर्शियल टाउन्स यानी वाणिज्य नगर के रूप में भी देख सकता है, या फिर एक पोर्ट टाउन यानी कि पतन वाला शहर के रूप में भी देखता है, या फिर किसी और टाइप्स के टाउन के बारे में देख सकता है। जिस प्रकार से उस समय जब मध्ययुगीन समय की बात हो रहा है कि टाउन्स थे वैसा ही देखेगा। तो मेडिवेशन टाउन जो मध्ययुगीन शहर में एक साथ क्या थे, अनेक टाइप्स के टाउन्स होते थे, जैसे में एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर टाउन्स एंड टेंपल टाउन्स के साथ साथ कॉमर्शियल टाउन्स यानी कि जो वाणिज्य नगर हुए वो भी रहते थे, और उसमें क्राफ्ट प्रोडक्शन यानी जो शिल्प उत्पादक शहर के रूप में भी होता था उस समय। ठीक है, तो कोई भी देखने आएगा तो ये सब देख सकते हैं शहर का। ठीक है, और उसी समय कुछ इम्पोर्टेंट सेंटर थे ट्रेड और आर्टिजनल प्रोडक्शन के लिए, जो व्यापारी और शिल्पकारी उत्पादन के सेंटर थे, केंद्र थे। इम्पोर्टेंट सेंटर कौन कौन से थे तो देख सकते हैं हम फिगर में कि एक सूरत के बारे में दिखाया गया। सूरत जो गुजरात में है वो भी बहुत फेमस था उस समय ट्रेडर्स के लिए, आज भी फेमस है व्यापारी के लिए, वहाँ व्यापार होता है। मुसलीपट्टनम में, हम्पी में। फिर हम लोग बात करेंगे तंजावुर शहर का जो साउथ में पड़ता है, उसी के बगल में उरैयर शहर भी है। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे तंजावुर का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के रूप में। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जानने के लिए क्या हुआ, हम लोग पहले नंबर जो चोल राजा थे उस समय उनका कैपिटल कहाँ था, राजधानी तो ये तंजावुर टाउन ही था, उसके बारे में जानेंगे। तो ये क्या था, 1000 ईयर एगो 1000 साल पहले की ये बात है कि राजधानी तंजावुर में थी। ठीक है, तो तंजावुर जो है जो तंजावुर जो टाउन है के पास से ही देखिएगा एक कावेरी नदी बहती है, ये सालों भर बहते रहती है ये नदी। इससे क्या होता है कि तंजावुर शहर के और सुंदरता बढ़ जाती है और ब्यूटीफुल सिटी हो जाती है, लगने लगता है देखने में, नदी जब पास से गुजरती है तो और अच्छा शहर सुंदर हो जाता है। ठीक है, और जो किंग थे जो राजा राज चोल के द्वारा एक निर्मित किया गया था, बिल्ड किया गया था एक टेंपल था, वो राज राजेश्वरी टेंपल, जिसमें से क्या होता था, वो टेंपल बनाया गया था तो उस टेंपल में जो घंटी लगा हुआ था वो बजता था, बजने से जो सुनाई देता था इससे भी बहुत अच्छा लगता था वहाँ। ठीक है, और तंजावुर टाउन के जो आर्किटेक्ट थे, जो वास्तुकार जो शहर को बनाने वाले, वो कौन थे,
तो वो थे कुंजर मलन, राज राज पेरुथचन ने बनाया था। और उसने क्या किया था कि अपना नेम जो नाम है वो मंदिर के दीवार पर लिखवा दिया था, जिससे क्या होता था कि लोग उसके बारे में जान जाते थे, पता चल जाता था कि यही बनाया है तंजावुर शहर को, आर्किटेक्ट किया है इसी ने, ठीक है। और मंदिर के जो अंदर साइड में था, भीतर में एक बहुत बड़ा विशाल शिवलिंग भी बनाया गया था, वहाँ पर स्थापित किया गया था, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के रूप में टाउन में अनेक तरह के राजमहल बनाए गए थे वहाँ, जिसमें क्या होता था कि उसी राजमहल में कई मंडप होते थे, बहुत सारे मंडप रहते थे। और इसी मंडप में राजा जो होते थे, जो अपना दरबार यानी जो कोर्ट लगाना रहता है, दरबार लगाते थे और लोगों को फरियाद सुनते थे। और जो राजा होते थे वे अपने सब ऑर्डिनेट्स यानी जो अधीनस्थ हैं उनके, उसके लिए वो ऑर्डर पास करते थे, ऑर्डर वहाँ से जारी करते थे, ठीक है। और टाउन में आर्मी बैरक, जहाँ पर सैनिक लोग रहते हैं उसी को बैरक कहा जाता था। तो ये तंजावुर टाउन में आर्मी बैरक भी बनाए गए थे सैनिकों के रहने के लिए, ठीक है। और तो इस तरह से हम देखें कि एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन बनाया गया था, इस तरह से जनता को सबको सुनते थे और ऑर्डर भी देते थे अपना कैसे करना चाहिए, ठीक है। और तंजावुर में एक तंजावुर जो टाउन था उसमें एक मार्केट भी रहता था, जहाँ पर बहुत से अनाज हुए, मसाला हुए, क्लॉथ्स कपड़े हुए या ज्वेलर जो आभूषण हुए, उसका भी सेलिंग होता था, बिक्री वहाँ पर होता था उस मार्केट में। और टाउन्स के लिए जो टाउन शहर बने थे, नगर तंजावुर नगर, उसके लिए वाटर सप्लाई के लिए, जल को आपूर्ति के लिए वहाँ पर वेल्स एंड टैंक्स, जो कुआं और तालाब के भी व्यवस्था किया गया था, उसी से वहाँ पर वाटर सप्लाई होती थी और जल की पूर्ति होती थी तंजावुर टाउन्स के टाउन में, ठीक है। और तंजावुर के निकट ही एक टाउन है उरैयूर, अभी भी दिखाएंगे फिगर में देखिएगा, उरैयूर टाउन है, ठीक है। इसके नज़दीक में ही तंजावुर के उरैयूर, तो वहाँ के जो मंदिर में जो उत्सव जो मनाया जाता है यानी कि टेंपल फेस्टिवल, उसके लिए वहाँ झंडा या झंडी जो होता है मंदिर में लगाने के लिए बनाने का कपड़ा वहाँ बनाया जाता था, झंडा झंडी बनाने के कपड़ा का वहाँ निर्माण किया जाता था, बनाया जाता था। और जो राजा होते थे उस समय और जो अभिजात वर्ग के लिए एक बढ़िया सा फाइन कॉटन माने एकदम पतला जो सूती वस्त्र होता है उसको तैयार किया गया था, और जो जनरल लोग होते थे, जनसाधारण लोग, उनके लिए कोर्स कॉटन जो मोटी सूती वस्त्र था उसको तैयार किया जाता था। और इसी के पास में एक और है सर जगह, स्वामी मलाई में एक ब्रॉन्ज जो कास मूर्ति था, जो मूर्तिकार लोग होते थे वो कास के मूर्ति बना रहे थे, बनता था वहाँ पर स्वामी मलाई में। और बेल मेटल लैम्प यानी कि जो घंटा धातु के दीप भी वहाँ पर बनता था, दीपक, ठीक है। इस तरह से हम लोग जाने तंजावुर के प्रशासनिक केंद्र यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के बारे में। अब हम लोग आगे जानेंगे टाउन टेंपल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर यानी मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र के रूप में अगला दिन, ओके।